आज किसानों के ऊपर इस ठंडक में पानी की बौछार कराई जाती है, उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। ये सरकार किसानों की नहीं है, किसान विरोधी है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के नेता जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो किसान विरोधी है। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत केंद्र सरकार की जन विरोधी किसान विरोधी कानूनों, बढ़ती बेरोजगारी तथा नागरिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों पर बढ़ते हमले के खिलाफ किसान सभा की घोसी इकाई ने बुधवार को नगर के मधुबन मोड़ से जुलूस निकालकर तहसील मुख्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक 12 सूत्री मांग पत्र उपजिलाधिकारी घोसी को सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र में किसान और मजदूर विरोधी कानून रद्द करने, बिजली के दाम कम करने, बुनकरों के फिक्स चार्ज बहाल करने, डीजल का दाम आधा करने, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने, सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री बंद करने, मनरेगा में 200 दिन और 600 रुपए दैनिक मजदूरी तय करने, न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए करने और 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी महिला पुरुष किसानों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने संबंधी मांग शामिल है। इस अवसर पर शेख हिसामुद्दीन, हाजी गुफरान अहमद, जनार्दन यादव, अनीस अहमद, शकील पांडे, जमील अहमद, भेखराज प्रजापति, उदय नारायण राय, एकराम प्रधान, खुर्शीद अंसारी, अलाउद्दीन, जयराम यादव, जावेद आदि मौजूद रहे। मेरा नाम शेख हिसामुद्दीन, किसान नेता। आज ये किस तरह का आपने मार्च निकाला? आज हम लोगों ने ये मार्च निकाला है जो दिल्ली में किसान की पीट करके हत्या कर दी गई। ये सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, बुनकर विरोधी, नौजवान विरोधी, शिक्षक विरोधी, स्टूडेंट विरोधी, ये सरकार जन विरोधी है। एक तरफ ये कहती है कि किसान अन्नदाता है, अन्न भगवान है, भगवान का दर्जा देती है, और ये बर्बर सरकार दिल्ली के गद्दी पे बैठी हुई और यूपी की गद्दी पे बैठे हुए आदित्य योगीनाथ जी दिल्ली में किसानों के ऊपर इस बरसात के मौसम में पानी की बौछार कराई जाती है। ये कितनी शर्मनाक बात है, क्या किसानों के ऊपर इस ठंडक में पानी की बौछार कराई जाती है, उनके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। ये सरकार किसानों की नहीं है, किसान विरोधी है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के नेता जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो किसान विरोधी है। तो क्या नुकसान है जब भी प्रधानमंत्री गए बात करने के लिए, आंदोलन क्यों नहीं? ये बड़ी अच्छा सवाल है आपका कि इस बिल से क्या नुकसान है। लेकिन मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि आप कुछ मांग नहीं रहे हैं और वो आपको दे रहे हैं, ये क्या है भाई? आप मोदी जी का कहना है कि हम ये बिल लाए हैं, किसानों के ये पक्ष में बिल है, आ किसान कह रहा कि मेरे पक्ष में नहीं है। तो जब किसान मांग नहीं रहा है तो उसको आप दे क्यों रहे हो? और किसान कह रहा कि हमारे पक्ष में नहीं है, आप किसान के पक्ष में हो जाओ उसको वापस ले लो, आप किसान के पक्ष में हो जाओ उसको वापस ले लीजिए। कौन किसान निकल करके रोड पे प्रदर्शन कर रहा कि ये बिल सही है? जा करके देखिए सिंघू बॉर्डर पे और तमाम दिल्ली के जो बॉर्डर हैं, किसान करदा मचाए हुए हैं, 10 लाख की तादाद में किसान टाली और ट्रैक्टर से पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये बर्बर सरकार दिल्ली में कहते कि कोने में चले जाओ। क्यों हम कोने में जाएंगे? देश हमारा है, ये देश किसानों का है, ये किसानों से देश चलता है। जब इस देश का किसान खुशहाल रहेगा तो ये देश खुशहाल रहेगा, यही हमारी मांगे हैं। कोई पत्रक भी सौंपे आज? जी हम आज एसडीएम साहब को 12 सूत्री मांग पत्रक भी देंगे। और अगर हमारी मांगे अगर हमारी पूरी नहीं हुई तो हम लोग यहाँ से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक जाम करेंगे। इसके लिए जो होगा देखा जाएगा, कितनी सरकार गोली और लाठी चलवाएगी, किसानों का सीना खुला हुआ है, मारे गोली मारे लाठी, देखा जाएगा कितनी लाशें गिरती है।